नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार 70 न्यूज। बड़ी खबर, सड़क विहीन ग्राम पंचायत केचुआ सड़क के कारण मूलभूत सुविधाओं से वंचित। ग्राम पंचायत केचुआ लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी, सरपंच सचिव के अड़ियल रवैये के कारण आज तक नहीं बनी सड़क। कीचड़ युक्त हुआ पूरा गांव, नहीं हो पा रहा गांव का विकास। समाज सेवी पिंटू शुक्ला ने उठाई आवाज, यदि नहीं हुई कोई कार्यवाही तो पूरे गाँव को लेकर बैठ सकते हैं अंशन प्रमोद मिश्रा, बलकेश कोल, दिलराज खटीक, हीरा खटीक, राम विशाल सहित सभी ग्रामीण जन अनशन पर बैठ सकते हैं। स्टार 70 न्यूज की कवरेज, संजीत वर्मा की रिपोर्ट। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद कुमार मिश्रा है जी। ग्राम पंचायत के युवा है। अच्छा, क्या क्या समस्या यहाँ इस ग्राम पंचायत? यहाँ गांव से बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं है जी। किसी महीने में, बरसात में तो है ही नहीं है, गर्मी में भी इस तरह से रास्ते हैं कि यहाँ से आदमी पैदल नहीं पार हो सकता है। अच्छा। और सरपंच को कितने बार प्रेस किया गया, उसको ये भी बोला गया प्रस्ताव रखो, हम लोग दस्तखत बनाते हैं, तुम्हारा मंजूर नहीं होता, जहां बोलो तहां हम लोग चलते हैं, गांव के आदमी आइए रास्ता को सुधरवाओ। तो आज तक माने 5 साल हो गए, 5 साल से ज्यादा हो गया सरपंच को, लेकिन आज तक इस रास्ता के कोई ध्यान नहीं दिए वो। अच्छा, तो आपने मतलब सरपंच से जब भी बात आप लोग करते हैं गाँव के लोग, तो सरपंच क्या बोलते हैं? सरपंच हमसे तो ये नहीं बोला, कुछ आदमी से ये बोला कि हमको वहाँ किचुहा के आदमी हमको वोट नहीं दिए हैं तो वहाँ के रास्ता नहीं बनवाएंगे। हम तो उसको कई बार बोले कि वो रास्ता बनवाने के लिए, तो वो बोलता है कि उसका प्रस्ताव रखवाते हैं, लेकिन कभी प्रस्ताव नहीं रखवाया। उसको ये भी बोला, एक आध बार हमसे बोला कि वहाँ के आदमी ऑब्जेक्शन लगाते हैं, तो हम कहें हम लोग साथ में रहेंगे, जो ऑब्जेक्शन लगाता हम लोग साथ में रहेंगे, तुम काम लगवाओ, तो वो भी नहीं कर रहा है। अभी गर्मी में हमारे यहाँ बारात थी, शादी थी, मैं उसको बोला कि यहाँ 10-20-40 सोलिंग लागेगी, वो फेंकवा दो, जो सहयोग करो वो हम लोग कर सकते हैं, वो भी नहीं किया। तो सरपंच की इस मनमानी में आपने कभी कंप्लेन नहीं किया सरपंच के खिलाफ? सरपंच के खिलाफ तो हम कभी नहीं किए, जो बोला तो सरपंच और सेक्रेटरी को बोला, इसके अलावा तो आगे नहीं बोले। अच्छा, हाँ, तो मतलब आप क्या क्या चाहेंगे आप? अगर मान लीजिए सरपंच आपकी नहीं सुनते हैं तो अगली अग्रिम कार्रवाई आप क्या सोचेंगे? अगला कदम आपका क्या? नहीं, आप तो हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। अगला कदम क्या हो? कार्रवाई तो अधिकारी करते हैं ना, यदि यहाँ से नहीं करेंगे तो कोर्ट जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। बोलिए। यहाँ से नदी भर के था, खचार है, गुठुआ भर, यहाँ से अब कांच लागे, कांटा लागे, खचारे में वो नर्दा में नहीं रहेंगे, गिर जा छट के, तो वहीं पड़ा रहा के नहीं आए के रास्ता के अगल बगल, मतलब राज दां यहाँ से हुआ सड़क तक कुछ नहीं आए, मतलब आवाज जाए के रास्ता नदी तक बहुत खचार है। अच्छा, तो यहाँ मान लीजिए जिसकी प्रेगनेंसी होगी, जब डिलीवरी कभी होती होगी तो बड़ी समस्याएं होती है ले जाने में हॉस्पिटल? ना हो जाते, राही में गिरा पड़ा है, अपन ले जा रोज के ले जा के राही में पड़े रह जा, 108 नंबर के लिए रास्ता नहीं, तो कभी नहीं, नहीं, नहीं। कुछ नहीं आवती है, वाहन ही नहीं आ पाई, जब जानता ही नहीं जा रही, पब्लिक नहीं जा रही, वाहन एक आध बार ऐसा डिलीवरी केस आया है की वो खटिया से ले जाते खत्म हो गए। शांति देवी, क्या नाम है माता जी आपका? शांति देवी। अच्छा, तो ये बताइए, आप बहुत समस्या होते हो गाँव में? हमारे द्वारे पर तो और इतना खचार है। अच्छा, यदि सरपंच जी आपकी बात नहीं सुनेंगे तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, हम तो गरीब आदमी, हम क्या करें सर, आप जो कही हम जो। यदि सरपंच की जो मनमानी, सरपंच जो अवमानना कर रहे हैं, यदि नहीं सुनते हैं तो अग्रिम कदम आपका क्या होगा? अग्रिम कदम हमारा ये होगा कि हम पूरे गांव की जनता इकट्ठा करके धरना प्रदर्शन करेंगे।